हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का मॉपअप काउंसलिंग में कितना रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कितना रैंक तक जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, आराम से समझा देंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आपका एडमिशन भी होगा। सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको अपडेट और सबसे अच्छा अपडेट आपको दे सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या होगा मॉपअप काउंसलिंग में। मॉपअप काउंसलिंग में कोई भी भाग ले सकता है जो एग्जाम दिए हैं पॉलिटेक्निक का। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका 5000 रैंक आया, 5000 तो पॉलिटेक्निक में अच्छा रैंक है, एडमिशन हो जाना चाहिए। 6000-7000 पे एडमिशन आराम से हो जाता है। ठीक है, उसको जो है फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और जो ब्रांच से मिला, ठीक है, जो ब्रांच से या फिर जिस कॉलेज में उसको जो ये मिला सीट वो उसको पसंद नहीं है, तो बच्चा क्या किया कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो वो सीट क्या हो जाएगा, वो जो सीट है वो तो खाली हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही फ्रेंड्स एक कंडीशन और है, मान लीजिए किसी को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला लेकिन वो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए तो वो सीट जो है खाली रह गया। उस खाली सीट पे फ्रेंड्स मॉपअप काउंसलिंग में जो बच्चे भाग लेते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, और उसी खाली सीट पर इनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन मॉपअप काउंसलिंग में फ्रेंड्स सबसे पहले किसका होगा, जिनका रैंक अच्छा था और वो कॉलेज नहीं लिए, रैंक अच्छा था लेकिन वो एडमिशन नहीं करवाए, तो सबसे पहले तो उन्हीं का चांस बनता है कि सबसे पहले उन्हीं का एडमिशन होगा। ठीक है, कम रैंक वाले का सबसे पहले एडमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो हाई रैंक वाले का एडमिशन होगा। देखिए सबसे पहले जो बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस, उस नोटिस में अगर आपका फ्रेंड्स रोल नंबर आ जाता है तो आपको पटना जाना होगा। पटना जाने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कितना रैंक तक एडमिशन हो जाए। देखिए फ्रेंड्स बिहार पॉलिटेक्निक में 12000 के लगभग में सीट है, तो इसमें फ्रेंड्स इससे कुछ और, ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाएगा और आपका एडमिशन बस उतना ही तक होगा। ठीक है, अगला वीडियो में फ्रेंड्स डिटेल में इसमें वीडियो हम लेकर आ जाएंगे, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।